नाउ स्टूडेंट्स लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है द रैशनल नंबर 10.11 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बच्चों समझो, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब पता है क्या? अभी मतलब पता चलेगा, रुक जाओ। ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं? जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब 10.11, अब इसके बाद कुछ नहीं लिखा है। मतलब कभी कभी क्या होता है, आप 9th क्लास में देखोगे यहाँ डिजिट चलते जाते हैं, ऐसे 2, 3, फिर 3 डॉट लगे होंगे। 3 डॉट का मतलब ये चलता ही जा रहा है ना। मतलब जब हमारे पास कोई पी था और उसको हमने क्यू से डिवाइड किया तो ये चलता ही जा रहा है, इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे देखिए 10.11 के बाद ये एंड हो गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, तो इसको हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है, अभी और भी क्लियर करूंगा। देखिए 10.11 है, तो यहां से अगर आप पॉइंट रिमूव करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि देखिए 1, 2 डिजिट से पहले यहां पे डेसिमल लगा हुआ है, तो नीचे 100 आ जाएगा। तो यहां से आ गया क्या? 1011/100। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया? ये आ गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। चेक कर लीजिए, जहां पर पी क्या है? 1011 जो कि इंटीजर है, और क्यू क्या है? 100 है जो कि इंटीजर है। तो रैशनल नंबर हो गया, एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू की वैल्यू 100 है जो कि जीरो नहीं है। ये रैशनल नंबर होते हैं कि जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, पी और क्यू इंटीजर होते हैं और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यू जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो बस यही आपका आंसर है, यहाँ पे फिल कर दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1011/100। अब मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको यही कह रहा था क्या कि आपको कोई पी बाई क्यू फॉर्म दिया हुआ होगा कभी, और वो फॉर्म ऐसा रहा होगा, ये देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म का। और जब हमने 1011 को 100 से डिवाइड लगाया होगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया होगा, ठीक है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। आंसर तो आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1011 को जब 100 से डिवाइड लगाया होगा, यानी कि पी को जब क्यू से डिवाइड लगाया होगा, आइए दिखाते हैं। ये देखिए 100 कितना आ गया होगा? 100, ठीक। 1-0 1 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हम 1 कॉपी कर लेंगे। अब देखिए 100 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि या तो 11 आ जाए या तो 11 से छोटा आ जाए। ऑब्वियसली अभी आप डायरेक्टली पॉइंट नहीं लगा सकते, जब यहाँ से 1 आपने कॉपी किया है तो आपको 100 की टेबल ऐसी पढ़नी कि या तो 11 आ जाए या तो 11 से छोटा आ जाए। तो देखिए 100 क्या होता है? 100, ये तो भाई 100 आ जाएगा जो कि 11 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, मतलब 100 कितना होता है? 0। अब देखो 100 आ गया, अब 0 11 से छोटा है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो 1-0 1 और फिर 1। अब आप यहाँ पर क्या करोगे बच्चों? अब आप डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पे, ठीक। और 100 कितना हो जाएगा? 100। नाउ 0-0 0, 1-0 1 और 1-1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब 10 आ गया, फिर डेसिमल की हेल्प से 0 लेंगे और 100 क्या आ गया? 100। बस यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये देखिए 1011/100 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो गया, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? 0। एग्जैक्टली आपके पास 10.11 आ गया, कुछ भी यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि कभी रिमाइंडर 0 ही नहीं होगा, नहीं। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो 10.11 का जो पी बाई क्यू फॉर्म है वो 1011/100 है। ओके, नोट कर लीजिए।